आज मैं बनाऊंगी आंवले का मुरब्बा। जो लोग मुरब्बा नहीं खाते वो लोग आंवले के फायदे जान के चौंक जाएंगे। आंवले में विटामिन सी होता है, जिसे खाने से पायलिया जैसी बीमारी नहीं होती। जिन लोगों को सर्दी जुकाम कब्ज पेट में कीड़े से परेशानी है तो वो आंवले का मुरब्बा बना के खाएं और जिसमें में चुस्ती फुर्ती लाए। तो चलिए बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शबीना। मैं आपका शबीना जी के किचन में वेलकम करती हूँ। मैंने मुरब्बे के लिए आंवला ले लिया है। आंवला खरीदते वक्त ध्यान रखें कि आंवला जो पीला दिखे उसे लें, क्योंकि वो पके हुए होते हैं, उससे मुरब्बा बहुत अच्छा बनेगा। आंवले को धो के हम उसे कुकर में उबाल लेंगे। आधा कप पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालना है। कुकर को बंद करेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक सीटी लगा लेंगे। तो लीजिए, एक सीटी लगा ली है। आप देखिए, ये एक सीटी में काफी अच्छे से उबल गया है। इसे हम कुकर से निकाल लेंगे। आंवला एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब हम एक फोर्क की मदद से आंवले को गोद लेंगे इस तरह से। मैंने सारे आंवले गोथ लिए हैं। अब गैस में एक बर्तन में एक कप चीनी ऐड करेंगे, आधा कप पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालना है। अब हम आंवला भी डाल देंगे। चीनी और आंवले को अच्छी तरह मिला लेंगे। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी ऐड करेंगे और ढक के लगभग 5 मिनट तक पका लेंगे। इसे बीच में उलट पलट करके फिर 2 से 3 मिनट ढक के पका लेंगे। चीनी आंवला काफी हद तक मिक्स हो चुके हैं, चीनी भी गाढ़ी होने लगी है। तो अब हम एक चम्मच की मदद से आंवले में चाशनी डालेंगे ताकि आंवला चीनी पी ले। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हम इसे सर्व कर लेते हैं। हम इसे सर्व करके दिखा रहे हैं, लेकिन मुरब्बा जितना पुराना होता है टेस्टी भी उतना ही होता है। आप इसे जब स्टोर करें तो कम से कम 1 लीटर या आधा लीटर के कंटेनर में बंद करके रखें। छोटे कंटेनर के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि जब आपको खाना हो आप 1 लीटर या आधा लीटर का जो कंटेनर है उसे ही इस्तेमाल करें, जो आप महीने भर खा सकेंगे। जैसे खाना हो उतना ही आंवला एक कंटेनर में होगा ताकि सारे आंवले में हवा नहीं लगेगी। इसी तरह 5-10 कंटेनर बना के स्टोर कर सकते हैं और 4-5 साल इसे यूज करें। हवा नहीं लगेगी तो आप आंवला 5 नहीं 10 साल के लिए भी रख सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खा पियो खुश रहो।